हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल चटपटी रसोई में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज के पकोड़े, एकदम कुरकुरे और टेस्टी। बहुत लोग इसे कांदा भाजी या भजिया भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्याज के पकोड़े बनाने और जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या सामान चाहिए। यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, 5-6 प्याज हैं, ये देखिए मीडियम साइज के प्याज हैं। और यहाँ पे मैंने चावल का आटा थोड़ा सा लिया है, आधा कटोरी के लगभग में लिया है। आप चाहे तो डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, इसे कुरकुरा बनता है तो इसलिए हम चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, बेसन को हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, दरदरा मैंने यहाँ पर पीस लिया है। आप चाहें तो एकदम बारीक भी पीस सकते हैं या चाहे तो आप कट करके भी डाल सकते हैं। तीखे के अनुसार हम यहाँ पे ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने स्वादानुसार नमक लिया है, कुछ धनिया के पत्ते यहाँ पे लिए हैं मैंने, और यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर लिया है। आप चाहे तो जीरा पाउडर साबुत ही डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिया है अजवाइन। आप चाहें तो इसमें हींग भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पकौड़े बनाना। तो सबसे पहले हम प्याज को कट कर लेंगे। तो छिलका निकाल के हम इसे साफ से पहले धो लेंगे, फिर हम कट करेंगे। तो इसी तरह हम छिलका सारे निकाल लेंगे। ये देखिए हमने छिलका निकाल के इसे साफ से पहले धो लिया है, सारे हमने छिलका निकाल लिए हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे, एकदम बारीक बारीक लंबे आकार में कट करेंगे इस तरीके से। अब चाहे तो छोटे छोटे भी कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम कट कर लेंगे, सारे हम कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने सारे प्याज को कट कर लिया है। अब हम इसे अलग अलग कर देंगे, एक एक प्याज को इस तरह से। प्याज अच्छे से अलग हो गए हैं, ये देखिए। तो अब हम इसमें मसाले मिला लेंगे। तो अब हम मिलाएंगे इसमें जीरा पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच से थोड़ा सा कम, और इसमें हम मिला लेंगे हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। जितना आपको तीखा पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने 1.5 चम्मच डाला है। और यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन हाथों से मल के, और नमक हम स्वादानुसार डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ते थोड़े से, और अब हम इसमें डालेंगे चावल का आटा 3 चम्मच, और अच्छे से मिक्स पहले कर लेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, ये देखिए। तो अब हम इसमें डाल देंगे बेसन, पहले हम 4 चम्मच डालेंगे, फिर उसके बाद कम पड़ेगा तो हम फिर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, एक बार में नहीं डालना है। मिला लेते हैं, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। तो थोड़ा सा और हम इसमें डाल देंगे, 1 से 1.5 चम्मच बेसन, ज़्यादा नहीं डालना है। और फिर से हम मिला लेंगे।
ये देखिए अच्छे से हमारा बैटर तैयार हो गया है पकौड़ी बनाने के लिए। ये देखिए अच्छे से बन भी जा रहा है। तो हमने तेल में फ्राई कर लेते हैं। तेल हमने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था, तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो तेल हमारा गरम हो गया है और तेल हमने ज़्यादा डाला है, पकोड़े बना रहे हैं तो ज़्यादा तेल लगेगा। तो अब हम इसमें पकोड़े छोटे छोटे डालना शुरू करेंगे। और आज को हमने रखा है मीडियम, तो इस तरीके से जितना आ सकता है उतना हम डाल देंगे। हमने पकोड़े डाल दिए हैं, अब एक मिनट तक अच्छे से इसे फ्राई होने देंगे और पलटेंगे नहीं अभी। तो ये एक मिनट हो गए हैं तो हम पलट लेते हैं। ये देखिए अपने आप ही छोड़ देगा। अच्छे से हमने पलट दिया है, अब इधर भी वैसे ही हम फ्राई कर लेंगे और चलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे इसे। ये देखिए क्रिस्पी होना शुरू हो गए हैं और सुनहरा कलर भी आना शुरू हो गया है। थोड़ा सा और हम इसे फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो अब हम निकाल लेते हैं, इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ये देखिए एकदम मार्केट जैसा भजिया दिख रहा है। ये देखिए जो बचा था उसे भी हमने डाल दिया है और वैसे ही हम फ्राई कर लेंगे। अच्छे से पलट देते हैं। पकौड़े हमारे हो गए हैं तो निकाल लेते हैं और सर्व कर देते हैं। गैस को बंद कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पकौड़े बनके एकदम रेडी है, हमने सर्व कर दिया है टमाटो सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ। आप खा सकते हैं, किसी के भी साथ खा सकते हैं, एकदम टेस्टी लगता है। आप चाहें तो इसे स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं, सुबह नाश्ते के तौर पे खा सकते हैं, या कभी भी मन किया तो आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है। ये देखिए एकदम क्रिस्पी बना है। ये देखिए आवाज़ आ रही है। तो अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।